जिस तरह से तमाम देश के तमाम जिलों में एक एक नवोदय विद्यालय चल रहा है, अगर आपने मौत कर दिया तो बिहार के तमाम जिला में एक एक नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बिहार सरकार अपना नवोदय विद्यालय नया विद्यालय चलाने का काम कर नवोदय विद्यालयों में गरीब वर्ग के बच्चे ही सिर्फ पढ़ेंगे। हर जिला में एक विद्यालय जिसमें गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वही रहेंगे, फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में किताब, सब फ्री में है, वही रहकर पढ़ेंगे। आवासीय विद्यालय होगा और मास्टर साहब के विद्यालय में 10 बजे की जगह 12 बजे जाते हैं, उस विद्यालय में 24 घंटा मास्टर साहब भी रहेंगे, उनका भी आवास उसी विद्यालय में होगा। वैसा विद्यालय हम खोलेंगे। भाइयों बहनों, इलाज का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला या शिक्षा का मामला, रोजगार का मामला, नौजवान लोग रोजी रोटी की तलाश में जिस तरह से भटकते रहते हैं, हमारे यहाँ के मजदूर लोग, आप चले जाइए किसी भी देश के दूसरे बड़े शहरों में चले जाइए, उन शहरों में जाकर कभी सड़क पर खड़ा होकर गौर कीजिएगा, किसी भी शहर में हिंदुस्तान के बिहार से बाहर के किसी भी शहर में आप देखिएगा, सबसे जो ऊंचा मकान बन रहा होगा उस मकान में सबसे ऊपर खड़ा होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई मजदूर काम कर रहा होगा, समझ जाइएगा वह बिहार का कोई भाग होगा और नहीं का। हम मंत्री थे, नौजवान लोग जाते थे, इंजीनियरिंग पास है। भाइयों बहनों, इंजीनियरिंग का पास विद्यार्थी BA MA पास और 5,000 की नौकरी जाकर दिल्ली में ढूंढे, क्यों ऐसी स्थिति? या देखकर हम लोग का कलेजा अंदर से सिहर जाता है, क्या है बिहार? आप कहीं भी चले जाइए देश में, बिहार के लोग रोजी रोटी खोजते हुए वहां मिल जाए, लेकिन अब महाराष्ट्र आंध्र का कोई भी व्यक्ति आपके इलाके में कोई पेट पालने के लिए मजदूरी करने के लिए कहीं मिल सकता है क्या? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन राज्यों के नौजवानों को, मजदूरों को वही रोजी रोजगार मिल जाता है। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र आंध्र के नौजवानों को, मजदूरों को उन्हीं की धरती पर रोजी रोटी रोजगार मिलता है, बिहार के नौजवानों और मजदूरों को इस धरती पर रोजी रोटी रोजगार की नहीं मिल सकता। कौन दूसरा की माइक हाथ लगी? तो मित्रों, सब कुछ हो सकता, करने वाला होना चाहिए। 15 साल जिनको आपने दिया और 15 साल से जिनका अभी चल रहा, दोनों ने नहीं किया, दोनों ने अगर किया होता तो आज दुर्दशा का शिकार बिहार नहीं करता। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, पहले आपने उनके कारण हमको वोट दिया या इनके कारण हमको वोट दिया, इस बार हम आशा कर गया है उन लोगों के कारण हमको वोट मत कीजिए, कम से कम एक बार इस बार अपने 5 बच्चों के कारण वोट देने का काम सब लोगों से हमको जागर कर दिया। उनका हक बनता था 15 साल, बनता था या नहीं आपने दे दिया, अगर कोई बात नहीं, इनका भी हक अभी तो नीतीश कुमार जी है, बनता था या नहीं बनता था, लेकिन आपने दे दिया 15 साल, उनको भी कोई बात नहीं। तो जब उनको 15 साल आप दे सकते हैं, उनको 15 साल, इनको 15 साल, तो 5 साल आप छोटा भाई को सुबह को नहीं दे सकते। उनका हक 15 साल का, बड़े भाई का 15 साल का, मझले भाई का 15 साल का, तो छोटा भाई को तो उस बात का भी हक 5 साल का। इसलिए हम आप सब लोगों से कह रहे हैं, हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, अगर फिर से अजमाइएगा उन्हीं को तो बहुत नुकसान होगा, पीढ़ी बर्बाद होंगे, आगे भी बर्बाद होते हैं। 15 साल 30 साल कोई कम समय नहीं होता। 30 साल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा, इन 30 वर्षों के बाद वह बच्चा खुद ही 2-3 बच्चों का बाप बन गया, इतना दिन और फिर से उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं,
एक बार अपने बाल बच्चों की खातिर वोट देने का था। हमने तय किया है, आप मौका दीजिएगा, हम बिहार में तमाम गरीब लोगों के लिए न्याय करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था इसी मिट्टी में इसी धरती पर करेंगे। और साथ ही साथ सब लोगों ने वोट लिया, दलितों का, पिछड़ों का, सबका।